अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी क्विक रेसिपी, बहुत ही आसान और मज़ेदार। इसके लिए मैंने गोभी ली है 1.5 किलो और 1/2 किलो आलू लिए हैं जो कि मैंने काट कर रख दिए। इसके बाद 1 कप ऑयल लिया जिसके अंदर मैंने 1 प्याज स्लाइस करके डाल दिया, उसको हल्का सा सौते किया। अब उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक पेस्ट बना के रखा हुआ था, 1 स्पून वो डाल दिया और 2 टमाटर स्लाइस करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। बहुत ही इजी और झटपट बन जाती है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, खुश्क धनिया, क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, फिर टमाटर और प्याज को गला कर अच्छी तरह से मसाला भून लेंगे। गलाने के लिए पहले ऊपर ढक्कन लगा देंगे और फिर बाद में इसको अच्छी तरह से भून लेना है। फिर हम इसमें कटी हुई गोभी और आलू डाल के तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे और फिर उसको ढककर अच्छी तरह से 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गोभी और आलू गल जाएं। जब आलू और गोभी गल जाएं आप चेक कर लें, अगर पानी बीच में हो तो फिर ढक्कन हटाकर तेज़ आंच पर पकाएं तो उससे पानी खुश्क हो जाएगा और साथ साथ गोभी को हिलाते रहें, भूनते रहें। और बिल्कुल ये हमारी गोभी रेडी हो गई है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हमने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया। व्यूअर्स, इसमें अदरक भी कटी हुई बहुत अच्छी लगती है, बारीक बारीक अदरक काट के भी डाल दें और गरम मसाला भी डाल दें थोड़ा सा ऊपर से। बस ये इसको मिक्स कर दिया, हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है क्विक रेसिपी के साथ। इसी तरह बना कर देखें, बहुत मज़ेदार बनती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।